हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी व्रत के लिए साबूदाना पराठा, जो हेल्दी और टेस्टी दोनों हैं। इससे पहले आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जो डिश बनाऊँ वो आप तक पहुँच सके। तो चलिए इसकी तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहले आप साबूदाना को 2 घंटे पहले भिगो दीजिए। बहुत लोगों की ये शिकायत रहती है कि हम कितने पानी में साबूदाना को भिगोए, तो आप ये जान लीजिए कि सेम मेजरमेंट होना चाहिए। जैसे आपका 1 कटोरी साबूदाना है तो सेम 1 कटोरी से आप पानी डालकर इसे भिजा दीजिए। तो आप चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप 3 बड़े साइज़ के आलू ले लीजिए, उबले हुए आलू हैं। इसमें डालें आप साबूदाना भिगोया हुआ, फिर इसमें डालें पालक। हेल्थ के लिए पालक बहुत अच्छा रहता है, तो मैं इसमें ऐड करूंगी पालक रफली चॉप किया हुआ, फिर जीरा 1/2 चम्मच और बारीक कटा हुआ हरा धनिया इसमें ऐड कीजिए। फिर हरी मिर्च के साथ डालें आप कद्दूकस किया हुआ अदरक। बहुत लोग व्रत में जीरा नहीं खाते हैं, तो जो आप इसमें नहीं खा रही हैं उसको आप स्किप करते जाइए। अब डाल दें सेंधा नमक और सभी को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। चम्मच की हेल्प तो होता नहीं है, हाथ से अच्छे से गूंथ लीजिए, एक डो की तरह तैयार कीजिए। यदि आपका साबूदाना कम मात्रा में है तो आप इसमें सिंघाड़ा आटा भी ऐड कर सकती हैं। अब अपनी हथेलियों को तेल से ग्रीस कर लीजिए और छोटी छोटी लोइयां इसकी निकाल लीजिए। जैसा आपको बनाना है, अगर छोटा बनाना है तो छोटी लोई लीजिए, अगर बड़ा बनाना है तो थोड़ा बड़ा लीजिए। अब इस टाइप का आप पॉलीथीन लीजिए, उसमें 1 चम्मच तेल लगा दीजिए, क्योंकि बेलन की हेल्प से तो ये बन नहीं पाएगा। तो आप उस सीट पर रख के अपने हाथों से प्रेस करते हुए एक गोल शेप में तैयार कीजिए। जैसे आपकी रोटी बनती है सेम उसी तरीके से, थोड़ा सा मोटा रखें क्योंकि ये पलटने में आसानी रहेगा। अगर आप ज़्यादा पतला कर देंगी तो ये चिपक जाता है। आप आयरन तवा का यूज़ बिल्कुल नहीं करिएगा। अगर आपके घर में कढ़ाई या नॉन स्टिक पैन है तो उस पर ही ये बन पाएगा। अब आप थोड़ा सा तेल लगा के इसे सावधानी से पलट दीजिए और इसे मीठी दही या हरी चटनी के साथ सर्व कीजिए, बहुत टेस्टी लगता है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक फिर से नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर फैमिली को मेरा प्यार भरा नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।